स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। और जो आज हम जो स्टॉक की बात करेंगे उसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। और आजकल ये बहुत ही चर्चाओं में है। आलोक इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी थी टेक्सटाइल से रिलेटेड, जो जिसका रोम रोम कर्ज़े में डूबा हुआ था, जिसका मैनेजमेंट ने ध्यान नहीं दिया और कर्ज़े पे कर्ज़ा, कर्ज़े पे कर्ज़ा, कर्ज़े पे कर्ज़ा, अंत में जाके दिवालिया होना पड़ा। और अभी NCLT ने क्लियरेंस दी है अंबानी साहब को, मुकेश अंबानी जी, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री और जेम फाइनेंशियल को, कि आप इसको ले सकते हैं, टेक ओवर कर लीजिए। तो देखिए, हम छोटी सी न्यूज़ है, उसके बाद से जो स्टॉक में जो तेज़ी से जो बढ़त आई है, लोग दबा के खरीद भी रहे हैं। और देखिए, आलोक इंडस्ट्री हिट्स अपर सर्किट आफ्टर NCLT क्लियर प्लान फॉर द इट्स एक्विजिशन बाय द रिलायंस जेम फाइनेंशियल ARC। लास्ट ईयर इन अप्रैल बोथ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जेम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सबमिटेड द CIRP रेजोल्यूशन प्लान टू एक्वायर द डेट रिडन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर आलोक इंडस्ट्रीज टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT अहमदाबाद बेंच। बढ़ते हैं आगे। और हम पहले बात करें कि बहुत कर्जे में डूबी हुई कंपनी थी, अब हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट अब चेंज हो रहा है। अब ये कंपनी जाने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर में, मुकेश अंबानी जी के अंडर में, जो कि अपने बिजनेस में खिलाड़ी आदमी हैं। और धीरू भाई अंबानी जी जो शुरुआत की थी, उन्होंने टेक्सटाइल से ही, पॉलिस्टर्स वगैरह से, कपड़े के टेक्सटाइल से ही की थी। अगर आपको याद हो, आपने गुरु फिल्म भी देखी होगी, आप उनके जीवन पे आधारित थी। तो ऑब्वियसली उनके लिए नई कंपनी नहीं होगी, और उनका मैनेजमेंट हमेशा अच्छा ही है, आज टॉप पे हैं। छोटे छोटे हम मोटा मोटी इसके कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे कि पहले क्या थी कंपनी, क्यों कर्जे में डूबी, आइए जानते हैं कुछ थोड़ा सा इसके रिटर्न वगैरह देख के। देखिए, पी रेशियो है नेगेटिव में 0.13%, ROCE है हो नेगेटिव, ROCE है माइनस में, तो देखने कोई मतलब नहीं है। आइए, फाइनेंशियल ट्रेंड है नेगेटिव ऑब्वियसली। और रिटर्न से यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 सालों में अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो आज समझिए कि करीब 42,000 रुपये आपके बचे होते। 5 सालों में 22% का नेगेटिव, 4 सालों में 36% का नेगेटिव, 3 ईयर्स में 5% का नेगेटिव, और 2 सालों में 64% की अपसाइड है। यहाँ पे यहाँ सुधार आया और यहाँ पे रिटर्न दिख रहे हैं। 1 साल में 71%, 1 साल में तो ज़बरदस्त दबा के दिया है। ईयर टिल डेट 30%, 6 मंथ्स में 26%, और जिन्होंने 3 महीने पहले पैसे लगाए हैं उसका भी 50% करीब उसको रिटर्न मिल रहा है। 1 मंथ में भी देखिए, जिन्होंने लगाया तो उसको 60% करीब रिटर्न मिल रहा है। 1 वीक में जिन्होंने लगाया ये न्यूज़ आने के बाद, तो 27% की अपसाइड है। और 1 डे में आज भी करीब 5% के ऊपर अपसाइड है। सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं भैया, तो न्यूज़ तो हमने आपको बता ही दी क्यों सर्किट पे सर्किट लग रहे थे। अब देखते हैं फाइनेंशियल इसके। देखिए, नेट सेल्स में यहाँ पे भी 24% करीब 25% डाउन साइड है सितंबर 18 से दिसंबर 18 के क्वार्टरली रिजल्ट्स में। और नेट प्रॉफिट में भी देखिए, नेट कर्जे पूरा मतलब माइनस पे ही है, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है नेट प्रॉफिट में, फिर भी पूरा 1,259 करोड़ का कर्जा वो माइनस पे है, प्रॉफिट में नहीं है ये कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखिए नेगेटिव में है, और 6% 6.16% के नेगेटिव दिखा रहा है डाउन साइड। एग्जैक्टली हम कर्ज़ा देख लेते हैं कितना है इस कंपनी पे। कर्ज़ा देखिए 17 मार्च को और 18 मार्च, तो आज तो 19 मार्च भी आने वाला है कल, तो ये मार्च 18 में जो इनके पास कर्ज़ा था 25,213 करोड़ का, और अभी तो और शायद ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि मार्च 18 है आज और 1 साल पहले के डेटा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रमोटर्स पास 10% करीब शेयर्स हैं और सारे के सारे गिर भी हैं 99.99% के। तो कहने के तात्पर्य देखिए, म्यूचुअल फंड्स 1.0% हैं, FIIs 3.79% की हैं। मुझे लगता है रिसेंटली इन्होंने अभी कुछ भरा वरा होगा माल, जब से न्यूज़ आई है। और प्रमोटर्स में आलोक निट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 7.88% की है, और हाईएस्ट पब्लिक सेक्टर कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड है। इंडिविजुअल्स हैं 58 पॉइंट, इंडिविजुअल तो दबा के अभी आजकल खरीद रहे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होल्डिंग है 58.23% की। और आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ
यार्न, वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, होम टेक्सटाइल, अपरल, फैब्रिक गारमेंट्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स. द कंपनी हैज़ ऑल्सो फोरेड इन टू द रिटेल सेगमेंट अंडर द ब्रांड नेम एच एन ए स्टोर. द कंपनी ऑल्सो ऑपरेट्स इंटरनेशनली थ्रू इट्स एक्वायर्ड एंटिटी मिलेटा, लोकेटेड इन द ज़ेक रिपब्लिक. मिलेटा इज यूरोपियन मेजर इंडियन डाइड शर्टिंग हैंड कर्शीप एंड टेबल लाइनन विच स्पेशलाइजेस इन हाई वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट्स. मिलेटा आलोक टुगेदर. 30 पैसे का डिविडेंड इसने December 2013 में दिया था. इसका मतलब 13 के बाद से कंपनी में प्रॉफिट आना बंद हो गया था, क्योंकि जब प्रॉफिट में ही कंपनी रहती तभी डिविडेंड देती. आलोक इंडस्ट्री 22nd नंबर पे है अपनी इंडस्ट्री में, और 1986 से ये इंसेप्शन 12 मार्च 1986 से, और प्राइवेट हाउस है, टेक्सटाइल कंपनी. मार्केट कैप है 705 करोड़ की. माइक्रो कैप कंपनी है और कर्जे में बुरी तरह से डूबी हुई थी, जिससे दिवालिया हो गई और इन पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस पर जो है टेक ओवर करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, और केसेस फिर NCLT में डिस्प्यूट चल रहा था. अब जो है इनको जो है मिल गई है, ऐसी हरी झंडी मिल गई. तो अब ऐसे में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अब मैंने पहले ही कहा कि मुकेश अंबानी जी खिलाड़ी हैं अपने बिजनेस में, और उन्होंने इस कंपनी में कुछ देखा होगा तभी तो उन्होंने इसको लिया. और जो कंपनियां कर्जे में रहती हैं, देखिए आरकॉम भी थी अनिल अंबानी साहब की कंपनी, तो वो भी दिवालिया हो गए. तो कर्जा अच्छा नहीं है, और देख फिर यही होता है कि कोई टेक ओवर करता है फिर अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है. आज है 18 मार्च 2019, और आज का जो भाव है 5 रुपये 12 पैसे, 0.24 की अपसाइड दिखा रहा है BSE में. और 52 वीक लो था 1.5 रुपये का, और हाई इसने बनाया 5 रुपये 80 पैसे का. अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे इसका लाइफ टाइम हाई दिखा रहा है यहाँ पे, 107 रुपये से नीचे चला. 107 रुपये कब था? 2008 में जनवरी. और यहाँ से फिर चलता हुआ खाई में गिरा, फिर चलता, फिर नीचे ही जाता गया. आज ये इसने लो बनाया था 1.5 रुपये, और अभी आज सर्किट पे सर्किट इसके अपसाइड के लग रहे हैं. 81% कह रहे हैं कि बाय कर लीजिए, 8% कह रहे हैं कि सेल, 11% कह रहे हैं होल्ड कीजिए. अब देखिए यहाँ पे एक्शन है आलोक इंडस्ट्री, ओनली बायर्स, ब्लॉक डील हुई यहाँ पे, है ना. फिर यहाँ पे हुई ओनली बायर्स, ब्लॉक डील, ओनली बायर्स, ब्लॉक डील, ओनली बायर्स, ब्लॉक डील, ओनली बायर्स, ओनली बायर्स. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी ओनली बायर्स हैं फिर सेलर्स ओनली, सेलर्स ओनली, सेलर्स ओनली भी ना हो जाए. तो क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करना ज़रूर चाहेंगे, और बुक वैल्यू हम देखिए यहाँ पे नेगेटिव में है, और इंडस्ट्री पी है 16 की, डिलीवरेबल 90.40%, और फेस वैल्यू इसकी अभी भी 10 की है. तो दोस्तों इस स्टॉक पे मैं ये सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि अभी एक अच्छा मैनेजमेंट इसको टेक ओवर कर रहा है ना. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुकेश अंबानी साहब का इसमें हाथ पड़ेगा तो ये कंपनी समर जाएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ देख सुन के ही इसको लिया है ना, अपनी शर्तों पे लिया है उन्होंने, बहुत ही कम पैसे में ख़रीदा है. क्योंकि 25,000 का कर्ज़ा तो शो हो रहा था, मुझे लगता है 5,000 के करीब इन्होंने कुछ बोली वोली लगाई थी कि हम इतने में ले सकते हैं. और बिजनेस मैन है वो ऑब्वियसली, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपये. और इस कंपनी में मुझे लगता है कि जो आज का भाव है 5 रुपये 12 पैसे BSE में, NSE में 5 रुपये 80 पैसे का, तो अगर चाहें तो आप थोड़ी सी पूंजी लगा सकते हैं. देखिए अभी 7-8 रुपये तक, तो मुझे लगता है कि 1,000-2,000 शेयर्स लेके खरीद के रखे जा सकते हैं. कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिग्गज कंपनी इसको टेक ओवर कर रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म पर्पस से ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमवाए. और जो करंट अभी तक के जो हालात थे आप सबको पता है, तो अभी तक तो कोई इसमें हाथ डाल नहीं रहा था, कोई बाइंग ज़्यादा कोई कर नहीं रहा था. हालांकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ले रखे थे, क्योंकि बहुत नीचे प्रीमियम पे मिल रहा था, और नो डाउट अभी प्रॉफिट पे काफ़ी लोगों को मिला. लोग बुक भी कर रहे होंगे या करेंगे अभी, अभी तो सिर्फ बायर्स ही हैं. तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि थोड़े से चाहें तो आप शेयर्स ले सकते हैं, पूरा पैसा मत डालिएगा इसमें, है ना. और मैं थोड़ा सा आशा करता हूँ, क्योंकि एक मुकेश अंबानी जी की कंपनी इसको टेक ओवर कर रही है, तो लिया जा सकता है, थोड़े से शेयर लिए जा सकते हैं. हो सकता है कि आने वाले समय में
अच्छा आपको रिटर्न दे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक डिस्क्लेमर देना ज़रूर चाहेंगे कि आप कोई भी स्टॉक लेने से पहले ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा कर लें। थैंक यू गाइज़।